दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। और आज हम लोग एक बहुत बड़ा सा गिव अवे लेकर के आए हैं आप सभी के लिए, जो भी हमारे फैमिली मेंबर है ना यूट्यूब के, उनके लिए, जो भी सब्सक्राइबर है हमारे, उनके लिए। तो सबसे पहले मैं कंडीशन आपको बता दूँ फटाफट से कि आप सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर, मतलब हमारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली के मेंबर होने चाहिए। आपका एक कमेंट होना चाहिए जिसमें आपका पूरा पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर के साथ में होना चाहिए। तीसरा, आप फार्मर होने चाहिए और हमारे पुराने व्यूवर्स होने चाहिए। चौथा जो है वो ये है कि आप हमारे कोई फ्रेंड या मेरा नंबर अगर आपके पास है तो प्लीज कोई सिफारिश ना करें कि हमें ये दे दीजिए, हमें दे दीजिए। ये रैंडम होगा, बस आप कमेंट में ये लिख दीजिएगा कि मुझे ये पर्टिकुलर चाहिए, तो हो सकता है मैं उसमें कोशिश करूंगा कि वो आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। ये है कावेरी सीड का कृतिका लौकी है, आप लोग इसे लगा सकते हैं अभी आने वाले समय में। अगला जो है वो है वेलकम सीड का जो खीरा है, हाइब्रिड F1 है, ये आप लगा सकते हैं। तो ऐसे न जाने कितने होंगे और कितना आपको वेट करना पड़ेगा, कौन सा आपको पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा। ये कोहड़ा कद्दू जिसे कहते हैं ना, ये आप लगा सकते हैं अभी बरसात के समय में। F1 है, हाइब्रिड है, लेकिन कंडीशन आपको पता है कि आपको कमेंट करना है। जिस दिन 200 लाइक हो जाएंगे उसके अगले मंडे को ये आपको भेज दिया जाएगा स्पीड पोस्ट के द्वारा। इसका जो रिजल्ट है मंडे के बाद में, ट्यूजडे या वेडनेसडे, जब भी समय मिला मुझे उस दिन मैं अनाउंस कर दूंगा। बरबट्टी कौन नहीं जानता, ये अजीत सीड का जो बरबट्टी है ना, ये बहुत अच्छा वैरायटी है, हाइब्रिड है, और हम लोग इसे लगा सकते हैं अपकमिंग बरसात में। अजीत का ही है भिंडी, आप लगा सकते हैं। ये स्पॉन्सर नहीं है किसी कंपनी से, ये मैंने परचेज किया है आप लोगों के लिए। तो कोई ये ना सोचे कि मैं किसी कंपनी से स्पॉन्सर लेकर के आपके लिए कर रहा हूँ। अगला तो आ गया, बहुत वेटेड, बहुत दिनों से आप लोग से जानते हैं, इसके बारे में आपको कुछ नहीं कहूंगा। जिसे चाहिए कमेंट में बताइए, कमेंट में पूरा एड्रेस डालिएगा, अधूरे एड्रेस डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, उसके पीछे मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा। ये है अजीत का चिली, इसे आप दोनों रूप में यूज कर सकते हैं, सुखा कर भी इसे तैयार कर सकते हैं और कच्चा ग्रीन भी और रेड भी, आप समझ गए होंगे। अगला जो है वो भी बहुत अच्छे जानते हैं, ये है सनग्रो का नवकिरण, जो भाटा होता है ना भरते वाला, वो है इसके अंदर में, तो ये भी आप ले सकते हैं, समय अच्छा है, इसे भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये रहा आज का गिव अवे, और आप लोग सोच रहे होंगे खत्म हो गया है, तो प्लीज वेट, थोड़ा देर और इंतजार करिए, आपको ये करेला भी मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे ये पहुंचा करके दिया जाएगा। अभी यहाँ खत्म हुई नहीं है, अभी और लंबा चलने वाला है। हम लोग ये झिंगी या जो भी आप कहते होंगे प्लीज कमेंट करिएगा, हम लोग दोनों को नेनुआ कह देते हैं, इसे भी और उसे भी, डोड़का गोभी। ये होता है डोड़का, एक्चुअली इसकी लाइनिंग होती है ना, सॉरी ये डोड़का है, ये झींगी है। आपके यहाँ कौन सा, ये बड़ा कंफ्यूजन है मुझे बचपन से ही। मुझे लगता है ये जो है ये झींगी है और ये डोड़का है, जो भी है आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। तो ये गिव अवे आप लोगों के लिए है, और फटाफट से कमेंट करिएगा, जिस दिन 200 लाइक हो जाएंगे उसके अगले मंडे को डिस्पैच हो जाएगा, आपके घर तक पहुंच जाएगा 5-6 दिनों में, अगर दूर के नहीं है तो, और दूर के हैं तो 7 दिन में। लास्ट मूली बरसात में लगाइए, अच्छी अच्छी कमाई करिए, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए हमारे वीडियो। देखिए जितना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे उतने ज़्यादा गिवअवे मिलाएंगे हम। फार्मर आगे बढ़ना चाहिए, देश आगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, मेरा ये मानना है। हम लोग अगर थोड़ा 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 प्रयास करें ना, आपस में एकजुटता दिखाएं और अच्छी चीजों पे हम लोग वीडियो बनाएं, मदद करें एक दूसरे की, तो बहुत तेजी से देश डेवलप होगा। पैसे रख के हम लोग लेकर के जाने वाले नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, जब खर्च करेंगे तो देश में टैक्स जाएगा, टैक्स जाएगा तो डेवलपमेंट आएगी। दोस्तों आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी ना तो लाइक जरूर करिएगा, ताकि 200 लाइक जल्दी से हो जाए, जिस दिन हो गया उसके अगले मंडे को ये डिस्पैच हो जाएंगे। कैसा लगा ये गिव अवे का सेशन, आपको प्लीज कमेंट बताइएगा। बहुत लंबे समय के बाद हम लोग गिव अवे लेकर के आए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो फिर से कहूँगा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में बताइए कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। आप बताइए हमें कि और क्या हम कर सकते हैं फार्मर्स के लिए। मिलते हैं फिर से किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।